हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई लियो पसंद बिल्कुल ठीक होंगी। जो व्लॉग है ये है 13th of November का। कल दीपावली थी तो बहुत सारा फैल जाता है दीपक वगैरह, ये रंगोली वगैरह जो ख़राब हो गई थी उनको एक जैसा किया, हटा भी दिया, कुछ दीपक थे उनको हटा के रखे। इन सब कामों में बहुत टाइम लग जाता है। और बस यहाँ पर बेड वगैरह ठीक किया और फिर झाड़ू पोछा हुआ घर का। उसके बाद मैं नहाई, नहाने के बाद पूजा की, फिर मैं हो रही हूँ यहाँ पे तैयार। तो मैं हो चुकी हूँ यहाँ पे रेडी। हेलो दोस्तों, तो वेरी लवली गुड मॉर्निंग। मैं हो गई रेडी, सुबह के 11 बज रहे हैं। मैंने ये वही साड़ी पहनी है जो करवा चौथ पे पहनी थी। आज की डेट है 13th of November और आज है मंडे। तो मैं जा रही हूँ अपने घर। और मेरे बैंगल्स, ये वाली मेरे पे ये वाली चूड़ियाँ नहीं थी तो ये मैंने भाभी से लिए, ये वाली मेरे पास थी तो मैं पहन चुकी हूँ। कुछ मेरे हेयर स्टाइल ऐसा रहा। भाभी कैसा लग रहा है ये वाला? छोटी ठीक हो गई, देखना ऊंची नीची तरह लग रही। नहीं सही तो यहाँ से नहीं सही है, सही लग रही। हाँ सही है। चलो बताना मैं कैसी लग रही हूँ। अंकल मैं कैसी लग रही हूँ? थैंक यू। टीका लगाया था मेरे पति देव ने लगाया था, जिसका निशान इतना बड़ा सा टीका लगाया था उन्होंने मुझे। चलो ये ब्लाउज मुझे और लूज़ हो गया, थोड़ा सा लूज़ था, थोड़ा सा लूज़ और हो गया, मतलब मेरा वेट कम हुआ है थोड़ा सा। बहुत मेहनत हो गई अभी, शिफ्टिंग, फिर दिवाली। A few moments later. तो दोस्तों अभी हो गया है नेक्स्ट डे और ये देखिए मैंने मंदिर में पूजा कर ली है। जरूरत है क्या? और कल भी पड़वा थी, आज भी पड़वा है तो बस यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। रेडी होकर के ही मैं पूजा कर रही हूँ। तो कल की तरह घर के सारे काम आज भी हो गए हैं, ऐसा नहीं कि मैं सुबह सुबह ही निकल गई हूँ। सारे काम वगैरह हो गए, उसके बाद ही मैं जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी मौसी के घर, तो उसी के लिए मैं बस तैयार हो गई। आज मैंने सूट पहन लिया है रेड कलर का। और बस यहाँ से मैं ई रिक्शा मिल जाता है मेन रोड से, तो मैं ई रिक्शा लेकर के और निकल जाऊँगी। सभी को हैप्पी दिवाली। कैसी रही आपकी दिवाली? अच्छी। बहुत अच्छी। अभी कहाँ से आ रही हो? अभी मैं गुड्डू के यहाँ से आ रही हूँ। पूजा करके यहाँ से आऊँगी। ओके, दोनों की ड्रेस देखो। न्यू कपड़े कब पहने थे दिवाली वाले दिन? बर्थडे ड्रेस, बर्थडे निकल गया, मैं नहीं आई थी बर्थडे पे नानू बाबू के। हालत खराब है, बहुत थकावट है, आवाज एकदम बैठ चुकी है। एक झापे मकान मेरा। अरे यार बुझ रही है, मेरे को दे दे। चले जाओ उधर, जाओ उधर, जाओ उधर, जाओ उधर, जलाना, जला जल तोड़ना। हाँ ऐसे जला, जल गया, जल गया, हट जा, बुझ गया, दूर हट जाओ, भग हो गया। बच्चे बहुत जिद कर रहे थे, दीदी ऊपर चलो पटाखे जलाएंगे। उनके पास बहुत सारे पटाखे रखे हुए थे,
तो छोटे हैं ना, तो फिर मैं गई ऊपर उनके साथ, कुछ पटाखे हमने इंजॉय किए, उसके बाद फिर नीचे आई तो मौसी ने चाय बना रखी थी, चाय पी रही हूँ और बस निकल जाऊँगी घर के लिए। घर आने के बाद मैं लग गई हूँ कामों में, जो कपड़े फैले हुए उनको फोल्ड करके रख दूँगी और जो कपड़े वॉश हुए थे वो ऊपर डले थे, भाभी उठा के ले आई थी, फोल्ड भी करके रख दिए थे, बस उनको मुझे अभी जगह पर रखने हैं। तो यहाँ पे आके ये टेंशन नहीं है कि ऊपर कपड़े रखे हैं तो कपड़े उठाने हैं, तो ये बहुत हेल्प हो जाती है। तो बस अभी यहाँ पे जो मेरा सूट है जो पहन के गई थी उसको फोल्ड करके रख देती हूँ। कल के भी कपड़े मेरे ऐसे ही फैले हुए थे, कल एक्चुअली मेरा ब्लॉग करने का मन ही नहीं था बिल्कुल भी, तो मैंने ब्लॉग नहीं किया। और ये जो व्लॉग है ये 3 दिन का व्लॉग होने वाला है, भाई दूर तक चलेगा, एंजॉय करना एंड तक। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं होम टूर के लिए, तो बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी दोस्तों। तो बस यहाँ पे जो कपड़े हैं उनको मैं लगा दे रही हूँ, इसमें मेरे डेली वाले कपड़े रहते हैं, जैसे बेडशीट रहते हैं 2 सेक्शन में, बेडशीट हो गए, टॉवल हो गए, और ऊपर के 2 से 3 सेक्शन में मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े रहते हैं, तो इसमें डेली वाले कपड़े हैं। बाकी के न्यू कपड़े ये दोनों अलमीरा में हैं और कुछ मैंने बैग में भर के रखे हुए हैं, जो जैसे हुआ वैसे हमने अभी एडजस्ट किया है। और इसके बाद मैं आपका प्रॉपर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। इस ब्लॉग के बाद आपको वही वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई करने वाली हूँ, और इनके कपड़े भी हो रहे हैं जिन पे करनी है प्रेस, तो प्रेस होगी दिवाली बाद, सारे फेस्टिवल ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ही हो पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट डे में। तो अभी नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैंने साड़ी पहनी है क्योंकि आज भाई दूज है, और कुछ लोगों ने कल भी मनाई थी भाई दूज, कुछ लोग आज भी मनाएंगे, तो फेस्टिवल जब दो हो जाते हैं ना तो पता नहीं चलता कौन कब मना रहा है। यहाँ पे मैं सब्जी को छोक देती हूँ फटाफट से, और बस यहाँ पे खाना का काम मैं कर लेती हूँ, खाना का पूजा का मैं कर रही हूँ, भाभी बच्चों को नहलाएंगी और खुद नहाएंगी, ऊपर के काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो इस तरह से अभी हम लोग काम कर रहे हैं जैसे टाइम पे सारे काम हो जाए, क्योंकि पूजा पाठ भी करनी होती है फेस्टिवल में। तो मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ जो कि बच्चों को बहुत पसंद है, वो डेली ही गोभी मांगते हैं, तो उनके लिए एक गोभी रखा हुआ था छोटा सा, वो मैंने यहाँ पे छोक दिया है। वेलकम बैक टू, आज की डेट है 15th of November और आज है वेनसडे। ये व्लॉग चल रहा है परसों से, 3 दिन का ये व्लॉग होने वाला है। मेरा व्लॉग करने का मन नहीं करा था, फिर भी थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया, और आज है दूज तो मैं बस यहाँ पे बना रही हूँ, आज भाई दूज है तो मैं बना रही हूँ गोभी की सब्जी। खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है, और उसके बाद ये मैं भगवान जी के बर्तन लेके आई हूँ सारे, तो इनको क्लीन करूँगी फिर पूजा करूँगी, तब तक यहाँ पे मेरी सब्जी बनती रहेगी। और बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें @IndianTourShoranjali। आज मैंने साड़ी पहनी है और थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी क्विक वाला है, तो चलो ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं और प्रॉपर अब मैं ब्लॉग बनाऊँगी आपके लिए। लोगों ने कल भाई दूज बनाई है, कुछ लोगों ने आज भाई दूज बनाई है, तो आप लोगों ने कब मनाई थी, 14th को या 15th को जरूर बताएगा मुझे। भगवान जी के बर्तन साफ़ किए हैं मैंने पीतांबरी से, और इसमें एक नल जो है वो टंकी से जॉइंट है और एक जो है वो बोरिंग से है। तो बस यहाँ पे मैं अभी पूजा करने जा रही हूँ, पूजा करके मैं आ चुकी हूँ। एक और सब्जी मैंने यहाँ पे बना दी है, उसके बाद यहाँ बना रही हूँ मैं पालक की पूड़ी। उसके लिए गेहूँ का आटा लिया, थोड़ा सा बेसन लिया, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, सौंफ ली, अजवाइन ली, और ये मेरा स्पाइस बॉक्स है, इसको मैंने निकाल दिया। इसमें मैंने जो होते ना उस टाइप के मसाले रखे थे, सौंफ, अजवाइन, मेथी, जीरा, इस तरह की चीज़ें मैंने इसमें फिल करके रखी हैं। मोइन डालूँगी, सॉल्ट डालूँगी, और इसमें पालक डालेंगे, बॉईल करके मैंने इसको ग्राइंड कर दिया है, तो वो पालक हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बस इस तरह से मैं पालक की पूड़ी बना रही हूँ, बहुत टेस्टी बनती है, और इस तरह से पालक भी खाने में आ जाती है। बहुत दिन से पालक रखी हुई थी फ्रिज में, तो सोचा चलो पालक पूड़ी बनाते हैं। पहले हम लोग पकौड़े बनाने वाले थे, लेकिन पकौड़े में प्याज वगैरह पड़ती, और आज के दिन प्याज वगैरह से कुछ खाना नहीं बना, बिना प्याज लहसुन का खाना बन रहा है।
तो मंदिर की पूजा तो हमने कर ली है, अब मैं और भाभी करेंगे भाई दूज की पूजा। उसके लिए ही मैंने यहाँ पे हवन किया है, गैस पे रख दिया था गोबर, जो गाय का गोबर का उपला होता है उसको, और वो हो चुका है। तो अब हम जाएंगे पूजा करने के लिए। अमृता हर्ष को अभी तिलक कर रही है और यहाँ पे कुछ फनी होगा अभी, आप देखना। भाई बहन का प्यार भी होता है और झगड़ा भी होता है। तो ये देखो यहाँ पे उसने तिलक किया, फिर चावल भी लगाए और उसको मीठा भी खिलाएगी। उसको सब बताते जा रहे थे वैसा वो करती जा रही थी, और बहुत मुश्किलों में ये हर्ष बैठा है टीका करवाने के लिए, बैठ ही नहीं रहता, बोलता मुझे नहीं करवाना। जब उसको लालच दिया कि हम मेले चलेंगे देखने के लिए, तो देखो पैसे दे दिए, अब पैर छू रहा है, पैर छूने के बाद यहाँ पे मारेगा भी उसको। दोनों में बहुत झगड़ा होता है, वो ये सोच रहा था कि मैं इसके पैर क्यों छू रहा हूँ, मुझे नहीं छीने, तो उसने बराबर से मार भी लिया। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है, मैंने कान्हा जी को भी तिलक कर दिया है, क्योंकि मैं हर दूज पे, हर रक्षाबंधन पे तिलक करती हूँ उनको भी। तो बस यहाँ पे भाभी ने बनाई है चाय, क्योंकि कुछ गेस्ट आए हुए हैं शादी का कार्ड देने के लिए। उसके बाद इन्होंने खाना खा लिया, अभी बच्चों ने भी खाना खा लिया, वो मेरे साथ भी खाना खा रहे हैं और मैं अब खाना खा रही हूँ और भाभी भी खाना खा रही हैं। तो हम सब लोग बस यहाँ पे अपना खाना खा रहे हैं पूजा वगैरह सब करने के बाद। उसके बाद बर्तन साफ़ करके रख देती हूँ फटाफट से, क्योंकि फिर दिन भर टेंशन फ्री। और आज मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, तो कभी कभी दिन में रेस्ट मैं करती हूँ। तो आज वही मेरा मन कर रहा था कि वह जल्दी से काम हो जाए, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँ। लेकिन रेस्ट कहाँ कर पाते हैं, कहीं ना कहीं फ़ोन आ जाता है किसी ना किसी का, या बाहर से आवाज़ आ जाती है, बच्चे डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, लेकिन थोड़ी देर फिर भी मैं आराम कर ली थी। तो बस थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं आई हूँ एक मंदिर। तो यहाँ देखो कितने सारे पौधे लगे हुए थे, तुलसी का पौधा लगा हुआ है, और यहाँ मैंने दर्शन किए, यहाँ पे जो चढ़ाना था वो चढ़ाया मैंने। और बस अब हम वापस जा रहे हैं घर के लिए। और यहाँ पे फूल तो इतने सारे लगे हुए थे और बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगे हुए हैं, और लग भी इतना अच्छा रहा था, एकदम शांति थी खेतों के बीच में, ये मंदिर है। तो यहाँ मैं आई, मेरा बहुत मन था, मैंने कल से ही सोच लिया था, और आज तो बहुत बड़ी दोज भी है, तो दोज के दिन तो यहाँ पे आना बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसलिए मैं आई हूँ, यहाँ पे दर्शन कर लिए, अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। और ये देखो यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर पौधे, गुलाब देखो, मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि कितने कांटों के बीच एक सुंदर सा गुलाब होता है। बस वही हमारी ज़िंदगी, ऐसा ही कुछ हमारी ज़िंदगी में भी होता ही है, कांटों के बीच सुंदर सा गुलाब। तो चलो चलते हैं, कोई ना, कांटों से निकलना भी आता है हमें, है ना, क्योंकि गुलाब भी तो कांटों के बीच से निकल के ही आता है। भाई दोस्त, तो हम मंदिर गए थे और अभी आए हैं मंदिर से, अब ऊपर जाइए कपड़े उठाने के लिए, शाम के 5 बज गए, साड़ी चेंज करेंगे, मुझे लगता है गिरा दी। माचिस का पीछा छोड़ दे, बच्चों को ना पता है किन किन चीजों से खेलना होता है। माचिस
माचिस, कैंची और मोबाइल। हाँ मोबाइल, मतलब इनकी चीज़ें ही अलग होती है खेलने की। बच्चे यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, मेरा भी मन कर गया उनको देख के। देखो उनकी प्लेट से मैं ले रही हूँ, और यहाँ पे खीरे रखी हुई हैं जो हम दिवाली में चढ़ाते हैं ना, वो बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। फ्री टाइम में आप बैठ रहे हो तो पता नहीं कितनी आप खा जाओगे, तो यहाँ पे हम लोग अभी खील बतासे ही खा रहे हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताना। जो लाई मुरमुर आता है वो अलग होती है, दिवाली की खीलें अलग होती हैं, ये बहुत टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे ऑनलाइन वाले भैया आए हुए थे तो कुछ लाए थे, पार्सल आया है। और यहाँ पे ये मैंने दीपक लगा दिए क्योंकि आज भाई दूज है, तो आज के दिन तक दीपक लगते हैं, उसके बाद अब देव उठनी एकादशी वाले दिन दीपक लगेंगे। तो ये था दोस्तों मेरा व्लॉग पड़वा से लेकर के दोस्त तक, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके बताना। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, आईडी इंडियन टूर शरांजली है। बाय बाय।